हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप एवरीवन फिट एंड फाइन। जितने भी स्टूडेंट हरियाणा एसजीयू के बैच का वेट कर रहे थे, तो फाइनली आपका जो पर्सनल मेंटरशिप बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो नरेंद्र सिंह एजुकेशन ऐप पे जाके आप उसको देख सकते हैं। जो फ्री कंटेंट सेक्शन, उसके अंदर आपको 50 डेज की जो स्ट्रेटेजी वो डिस्कस की गई है, तो सभी स्टूडेंट उसको जाके देखें। एंड आपकी जो भी क्वेरी है आप ऐप पे पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट 50 डेज हम कैसे उसको प्रोसीड करने वाले, वो आपको बताया गया है। प्लस हरियाणा जी के या फिर जो भी आपका कंटेंट डाला गया है सिलेबस के अंदर, जो एज इट इज यूपीएससी ऑप्शन को कॉपी किया गया है, तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए नेक्स्ट 50 डेज, बिकॉज अगर आप एसडीओ बनते हैं आज के टाइम में, तो देर आर हाई चांसेस कि आप डायरेक्टर की पोस्ट तक भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर हरियाणा एडीओ आज के टाइम में कोई स्टूडेंट सिलेक्ट होता है, तो नेक्स्ट 18 to 20 ईयर उसको एसडीओ बनने में लगते हैं। सो आप अपने इन ईयर्स को बचा सकते हैं अगर आपके पास एमएससी इन एग्रीकल्चर की डिग्री है। एंड अगर हम बात करें हरियाणा एडीओ में जो सिलेबस आया था वो भी एज इट इज था, तो उसकी आपको हेल्प बहुत सारी मिलेगी। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग जितने स्टूडेंट एडीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एंड उनके पास अगर एमएससी इन एग्रीकल्चर की डिग्री, तो वो एसडीओ भी देने वाले हैं। एंड 3rd of September को आपका एग्जाम है, तो अभी 50 डेज ही इफेक्टिवली आप प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। एंड आपको जो पैटर्न है वो अभी 25% है, तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितनी पोस्ट आई थिंक 37 है, वो सारे के सारे फिल होंगे डेफिनेटली। एंड अगर आप एसडीओ में सिलेक्ट होते हैं, तो आपको एचडीओ डीएचओ इनकी पोस्ट के लिए भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे। सो सारी डिटेल्स आपको बैच में बताई गई हैं। आप नरेंद्र स्टूडेंट एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें एंड विजेता बैच जो है उसमें जाके आप सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।